भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है, हम चलते चलते काफी थक गए। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे भरतपुर बर्ड सेंचुरी व्लॉग के पार्ट टू में आपका स्वागत है। देखिए, ये मेरे ख्याल से जब पहले यहाँ पे शिकार होता था तब की डिटेल्स है। ये देखिए, टर्टल से हम बात लेने आए हुए हैं। यह स्नेक बर्ड, इसे आप डाइटर भी कह सकते हैं। इसकी गर्दन देखिए, ये है ग्रे हेरॉन जो कि धूप का आनंद ले रहा है। पेलिकन्स, नंबर ऑफ देम, दिस इज कॉल्ड पेलिकन आइलैंड फॉर द रीजन। ये होते हैं ज़िद्दी बच्चे, देखिए अपनी माँ से कैसे ज़िद कर रहा है, शिकायत कह रही है वो। उसके पैर इतने अलग से क्यों हैं? मुझे लग रहा है कि शायद इसे भूख लगी है और ये खाना मांग रहा है। यह है पेंटेड स्टोर्क और यह है जुवेनाइल पेंटेड स्टोर्क और पास में आप देखिए ग्रे हेरॉन भी। अभी शायद खाना लेने आई है अपने बच्चे के लिए। ये देखिए, ये खाना भर के ले आई है चोंच में अपने और ये बच्चा उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। जो भी फिश वगैरह ये लेकर आई है और ये अब अपनी चोंच से बाहर निकाल लिए सब मुँह से जो भी लेकर आई है और बच्चा उसे खा रहे हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ ऊपर नेस्ट में ये माँ भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई है। ये है स्पून बिल्ड स्टोर्क, इसकी चोंच देखिए बिल्कुल स्पून की तरह है जो कि इसके खाना ढूंढने और खाने में बड़ी सहायक होती है। और
इधर है, मेन गेट ना, यहाँ से आगे चलते हैं। पेलिकन भी यहाँ पे लिखा है, डक गीस, और यहाँ पे खाने का भी लगा बना हुआ है। रेस्ट, पेट पूजा, उसके बाद बाकी काम दूजा। बैट्स, ऊपर बैट्स है। वाव, शॉट आएगा बैट्स के, क्या शॉट्स आएंगे बैट्स के। और हमें यहाँ मिल गए बैट्स। ले लीजिए बोर्ड, टॉयलेट, चौकी, कैफेटेरिया, टेंपल एंड डी ब्लॉक पोस्टर, ई ब्लॉक पोस्टर। अभी हमें कैफेटेरिया मिला जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। और गलती हुई कि हम बैग में कुछ और रख कर नहीं लाए चॉकलेट्स के अलावा, हमें पता नहीं था कि अंदर, ये तो पता था कैंटीन्स हैं, एक कैंटीन पीछे रह गई और एक ये है, बट यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता अपेरेंटली जाता है पाइथन पॉइंट पे। हम लोग पाइथन पॉइंट ढूंढने के चक्कर में बहुत दूर आ गए, और अब हम लोग एक रिस्क ले रहे हैं कि ये रास्ता सीधा जाके बाहर की तरफ मिलेगा, तो हम उस पे चल रहे हैं। 5 बजने वाला है और हम थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है आउटकम। जाकर जा तो वहीं आता हूँ खाने के, वो इधर से गया है तो वो ऊपर निकल आया होगा पक्का। नहीं नहीं उधर वाला था। और हम अब आखिरी वॉच टावर के की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे देखने की सारस क्रेन। यहाँ पे आईबिस घूम रही है, उसको उड़ने के बहुत मन हो रहा था। और देखिए
सनसेट कितना अच्छा हो रहा है। किसी फोटोग्राफर ने भेजी है इंडियड पेलिकन, पता नहीं चल रहा कहाँ पे तो है। ये भैया हमसे अभी पूछ रहे थे कि हमने कहीं इंजर्ड पेलिकन देखी है, क्योंकि इनको किसी ने इंजर्ड पेलिकन की इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि टर्टल ने उस पर अटैक किया है और उसकी चोंच में काफ़ी इंजरी हुई है। ये शायद रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, शायद नहीं, हाँ रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू सेंटर है अंदर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसकी दिशा पता चल पाए तो ये उसे बचा सकें, और जो भी उस तरफ से आ रहे हैं वो इनसे पूछ रहे हैं। और हमें तो दिखी नहीं, वरना हम इन्हें ज़रूर बताते। मंदिर आ गया, हाँ रिक्शा मिल जाए, रिक्शा मिलते ही देखिए। अब कितनी शाम हो गई है और हम घूमते घूमते, हमने गलती की कि हमने गाइड और रिक्शा नहीं लिया, हमें लगा कि हमें अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन हमें अंदर मिला नहीं। ये बहुत बड़ा एरिया है, हम चलते चलते काफ़ी थक गए, और अब हम होटल जाएंगे और वहीं खाना खाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया है। जितना हम कैप्चर कर सकते थे हमने किया, अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। अब थक कर बुरा हाल है, सब घर को जाने लगे। ये ग्रे हेरॉन है, ये देखिए फ़िश पकड़ के लाई है, काफ़ी देर से ये फ़िश को वॉच कर रही थी कि कब सही मौका मिले और मैं इसे पकड़ लूँ, और अब अपना खाना ले आई है। आसपास से और भी चांस मारने की तैयारी है, बट ये अभी से छोड़ेगी नहीं, ऐसे ही निकल जाएगी। बना रही हूँ, आज हमने काफ़ी चीज़ें कैप्चर की और बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जैसे कई चीज़ें हमसे मिस भी हुई हैं और कई चीज़ें हमने गलती भी करी है, जैसे रिक्शा और गाइड वगैरह। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें मिल चुकी है, तो हो सकता है वापसी में हमारा प्लान फिर से यहाँ से बने, क्योंकि मेरा भाई भी शायद यहाँ आ सकता है। चीज़ें हमसे मिस हुई हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, इस व्लॉग में बस इतना ही, ये ब्यूटीफुल से सनसेट व्यू के साथ बाय बाय, और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ट्रैवल व्लॉग्स टाइम पे अपलोड कर सकूँ।